बीते 3 माह से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है व वेतन भुगतान जल्द करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे वह अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर आक्रोश जता रहे ये बीईसी के कर्मी हैं। गौरतलब है कि बीते नवंबर माह से कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है, इस हेतु कंपनी के 175 कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। हालांकि प्रबंधन के साथ इनकी चर्चा का दौर चला भी, पर समस्या जस की तस बनी रही। धरने पर बैठे कर्मियों ने अपनी पीड़ा ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष बयां की है। बोलिए, हम लोग जो है 175 लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक हम लोग 3 दिन से यहाँ पे बैठ रहे हैं। 10 बजे तक तो बैठते ही हैं। और रही बात शुरू दिन क्या हुआ कि हम लोग सैलरी की पूछने के लिए हम लोग गए थे। सैलरी जब पूछने गए तो हमारे यहाँ के जो इसमें HR डिपार्टमेंट देवांगन साहब है, देवांगन साहब ने बोले कि ये मेरी बस की बात नहीं है, आगे आप लोग जाके बात करिए बोले। जब हम लोग मेन ऑफिस में आके जब बात करने के लिए आए तो वहाँ पे तिवारी साहब करके रहते हैं, वो देखे हैं ऊपर खिड़की से देखे, वो देख के कुछ आए भी नहीं थे। तो तब हम लोग सब लोग क्या किए कि अपना क्या बोलते हैं धूप में पूरे वर्कर एक साथ नीचे बैठ गए थे। जब बैठने के बाद क्या हुआ कि वो देख के आए नहीं थे। उसके बाद 3 घंटे के बाद आए, 3 घंटे के बाद आने के बाद आप लोग क्या हुआ करके पूछने आए थे। तो हम लोग बोले कि 3 घंटे के बाद आप आके पूछ रहे हो, आज हम लोग धूप में बैठे हैं, हमारे बारे में सोचने का आपको कोई ये नहीं है क्या करके। फिर हम लोग बात किए, बात करने के बाद फिर उसने बोला कि तो प्रॉब्लम क्या है। बोला हमारा सैलरी के लिए पूछने के लिए आए, तो सैलरी कब दोगे। तो उसने बोले कि हम टाइम तो नहीं दे सकते हैं, जनवरी 31 तारीख को लास्ट में तक कोशिश करके हम लोग आपको देंगे करके बोले। तो हम लोग बोला ये 3 महीने में आप तो दिए नहीं हो, अब जनवरी 31 तारीख तो हमारा 4th महीने चल जाएगा करके हम लोग बोले। तो बोले आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते करके बोल के। कारण क्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा नहीं है, फंड नहीं है। काम तो करा रहे हैं हम लोग से, ऐसा तो नहीं 3 महीने तो हम लोग काम किए हैं, फंड नहीं है बोल रहे हैं। फंड नहीं है तो हम क्या कर सकते, काम नहीं है, काम नहीं है तो हम काम का तो जिम्मेदारी नहीं है। काम तो आप लाओगे तो हम काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप हमारे ऊपर एक्शन लीजिए ना। आप तो काम तो ले, काम तो लाते नहीं हो, काम तो है, ऑर्डर तो है उनके पास, अब क्यों नहीं ला रहा उसके तो हम लोग नहीं बोल सकते। बताएंगे आप, हमारे मांगे हैं मजदूरों का जो ये तीसरा महीना नवंबर से जो हम लोग को सैलरी नहीं मिला है, आज मजदूरों का जो है पेट चलाना मुश्किल हो गया है। उस वजह से पूरे मजदूर साथियों लोग ने जो है मैनेजमेंट से जो है चर्चा की कि हम लोग का सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे पालन पोषण होगा। तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो MD साहब से चर्चा करेंगे बोले। MD साहब से हमारे पूरे वर्कर और मजदूर ने मिले, उन्होंने भी कोई जो है टाइम नहीं दिया। 2 दिन से हम लोग गेट के अंदर बैठे हुए थे, तो कोई जो आके जो कोई आश्वासन कोई जो है मैनेजमेंट ने हम लोग को कोई जो है नहीं किया। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग को बिल्कुल ड्यूटी का समय पे आया तो गेट पे ताला लगा दिए, और पूरे मजदूर जो है आज जो भूखा प्यासा जो है ये धरने पे बैठे हुए हैं, गेट के सामने बैठे हुए हैं, और सैलरी का अभी भी कोई जवाब और कोई जो आश्वासन उन लोगों ने नहीं दिया है। तो हम लोग भी जो है इस चीज़ों को जो है माने कि हम लोग सैलरी लेके रहेंगे, और उसके बाद हम लोग जो हमारे राज्य सरकार भूपेश बघेल जी को ये सूचना मिली है, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी को भी दिए हैं, और हमारे यूनियन के जो है छत्तीसगढ़ मेटल इंजीनियरिंग वर्कर यूनियन के अध्यक्ष आदि सिंह को भी इस मैसेज को जो है दिया गया है। तो उन्होंने भी बोला है कि इस चीज़ों को आज जो हम लोग का शपथ ग्रहण है, हम लोग आएंगे और आप लोग का साथ भरपूर हम लोग साथ देंगे और सैलरी जो है आप लोग को दिलवाएंगे। कारण क्या है, आज जो है ये समय ऐसा आ चुका है कि हर किसी परिवार को जो है बीमारी का लक्षण चल रहा है, और ऊपर से कोई किसी के पास 100 रुपये भी नहीं है कि अपने जो क्लिनिक में कोई जो इलाज करा पाए। और ऐसे जो हमारे जो मैनेजमेंट और MD साहब इस चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, और ऊपर से जिद्दी से बैठे हुए हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे जो है धरने पे दिए, कोई आज भी अभी भी कोई अधिकारी हम लोग से मिलने और बात करने के लिए नहीं आया गया। और दूसरा, हम लोगों को मजदूरों को पानी का जो है यहाँ पे पीने के लिए जो व्यवस्था किए थे अदर लोग, उसको भी जो है छीना गया है, मजदूरों को कोई पानी यहाँ नहीं दिया जाए। बहरहाल इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी की मार झेल रहे कर्मियों ने वेतन भुगतान करने की गुहार लगवाई है। देखना है प्रबंधन पर इसका कितना, कैसा और कब तक असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।